हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पार्ट 7th ऑफ चैप्टर अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स, इन विच वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इलस्ट्रेशन 7। ओके, इलस्ट्रेशन 7 हमारे पास गिवन है। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म। ए इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ रुपीज 15,000 पर मंथ। ओके, 15,000 पर मंथ है तो हम क्या करेंगे, 15,000 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, 1,80,000। ओके, तो जो बी की सैलरी है वो क्या होगी, 1,80,000। ओके, देन हमारे पास गिवन है कमीशन है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। बी इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। यहाँ पे हमारे पास टू केसेस हैं, फर्स्ट वन इज बिफोर चार्जिंग कमीशन एंड सेकेंड वन इज आफ्टर चार्जिंग कमीशन। देन हमें गिवन है नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2022 वाज 4,40,000। यहाँ पे हमारे पास जो नेट प्रॉफिट गिवन है वो कितना गिवन है, 4,40,000। यू आर रिक्वायर्ड टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। हमने क्या करना है, प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन को शो करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बी सैलरी को रिकॉर्ड करेंगे, हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, 1,80,000। देन क्रेडिट साइड हम क्या करेंगे, बाय नेट प्रॉफिट हमें गिवन है 4,40,000। क्लियर, देन हम क्या करेंगे, हमारे पास ए की कमीशन और बी की कमीशन गिवन है। क्लियर, हमारे पास इंफॉर्मेशन है कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। क्लियर, हमने क्या करना है, जो हमारे पास नेट प्रॉफिट गिवन है, क्लियर, बिफोर चार्जिंग का केस है हमारे पास, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, टू एज कमीशन। नेट प्रॉफिट कितना है हमारे पास, 4,40,000। हमने क्या करना है, 10% कैलकुलेट करना है, तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, 44,000। क्लियर, देन हम क्या करेंगे, बी का कमीशन कैलकुलेट करेंगे, तो हमारे पास क्या है, 4,40,000। देन हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 10% आफ्टर चार्जिंग कमीशन का केस है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 110। क्लियर, तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, 40,000। तो बी का कमीशन कितना है, 40,000। क्लियर, तो बाकी हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट साइड का हमारे पास टोटल क्या है, ज्यादा है, यानी कि 4,40,000। 4,40,000 में से हम क्या करेंगे, 1,80,000 प्लस 44,000 प्लस 40,000, हम इन तीनों वैल्यूज को ऐड करेंगे, तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, 2,64,000। हम क्या करेंगे, 4,40,000 में से 2,64,000 को लेस करेंगे, तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, लेस करके हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, 1,76,000। तो हम यहाँ पे क्या शो करेंगे, 1,76,000। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ट्रू प्रॉफिट ट्रांसफर टू देयर कैपिटल अकाउंट्स, यानी कि ए के और बी के कैपिटल अकाउंट में हम क्या करेंगे, प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे। हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में कोई स्पेसिफिक रेशियो मेंशन नहीं है कि वो प्रॉफिट एंड लॉसेस को किस रेशियो में शेयर करेंगे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओके, हम इस केस में क्या अजम्पशन लेंगे कि वो क्या इक्वल पार्टनर्स है। क्लियर, तो अब हम क्या करेंगे, यानी कि हमारे पास क्या रेशियो है, 1:1। क्लियर, यानी कि 1,76,000 मल्टीप्लाई 1/2, तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, 88,000। यानी कि ए का प्रॉफिट कितना है, 88,000, बी का कितना है, 88,000। क्लियर, तो ये हमारे पास क्या है, प्रॉफिट। ओके, तो ये था हमारे पास इलस्ट्रेशन 7। क्लियर, नाउ नेक्स्ट इलस्ट्रेशन हमारे पास, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2 विद कैपिटल हमें गिवन है 5,00,000 एंड 2,50,000। क्लियर, ऑन 1st अप्रैल 2021 ईच पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू 10% पर एनम इंटरेस्ट ऑन हिज कैपिटल। हमारे पास यहाँ पे क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन है, 10%। ए इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। यहाँ पे जो ए का कमीशन है हमने क्या करना है, जो प्रॉफिट है प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेस करके उसके ऊपर क्या करना है, 10% इंटरेस्ट चार्ज करना है। देन हमें गिवन है बी इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 8% ऑफ नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। यहाँ पे हमने क्या करना है, जो नेट प्रॉफिट है नेट प्रॉफिट में से हमने कमीशन को भी लेस करना है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी लेस करना है। क्लियर,
देन हम क्या करेंगे, प्रॉफिट हमें गिवन है 31 मार्च 2022 का, प्रायर टू कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज 3,75,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के एडजस्टमेंट करने से पहले का हमें प्रॉफिट गिवन है 3,75,000। प्रिपेयर नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, क्लियर। तो इस बेसिस पे हमने क्या करनी है, जर्नल एंट्रीज करनी है। तो जर्नल एंट्री करने से पहले हम क्या करेंगे, प्रॉफिट की कैलकुलेशन करेंगे, क्लियर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। क्रेडिट साइड पे हम क्या करेंगे, प्रॉफिट नोट डाउन करेंगे, बाय प्रॉफिट 3,75,000। ओके, देन हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का एंड बी का, क्लियर। ए की जो कैपिटल है हमें गिवन है क्वेश्चन में 5 लाख, बी की गिवन है 2,50,000, क्लियर। ए की कैपिटल कितनी है 5 लाख, बी की कितनी है 2,50,000, क्लियर। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें क्वेश्चन में कितना गिवन है 10%, तो इसका हम 10% कैलकुलेट करेंगे, तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी 50,000। बी का कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी 25,000। ओके, तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे पास कितना आएगा दोनों पार्टनर्स का 75,000, क्लियर। देन हमें क्या करना है, कमीशन चार्ज करना है दोनों पार्टनर्स का, कमीशन कैलकुलेट करना है हमने ए एंड बी, क्लियर। कमीशन में हमारे पास क्या है कि जो प्रॉफिट है, क्लियर। प्रॉफिट में ए का सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे कि जो प्रॉफिट है 3,75,000। क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है कि जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट में से हमने क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेस करना है, यानी कि 75,000 हम यहाँ से क्या करेंगे, लेस करेंगे, तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी 3 लाख, क्लियर। 3 लाख के ऊपर हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना गिवन है 10% बिफोर चार्जिंग का केस है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे सिंपल कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 30,000, क्लियर। देन हम क्या करेंगे, बी का चार्ज करेंगे, बी में हम क्या करेंगे, जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट में से हमने क्या लेस करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस करना है, तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी 3 लाख। फिर हमने हमें क्वेश्चन में गिवन है आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, क्लियर। तो ऑल कमीशन यानी कि ए की कमीशन को भी हम यहाँ से क्या करेंगे, लेस करेंगे, तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी 2,70,000, क्लियर। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है हमें 8%, तो यहाँ पे क्या आफ्टर चार्जिंग का केस है, तो हम क्या करेंगे 100 में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, यानी कि हमारे पास क्या वैल्यू आएगी 8/108, यानी कि बी की जो कमीशन है, बी की कमीशन कितनी आएगी हमारे पास 20,000, तो टोटल कितना आएगा हमारे पास यहाँ पे 50,000, क्लियर। तो इस बेसिस पे हम क्या करेंगे, प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे। हमारे पास यहाँ पे प्रॉफिट क्या है 3,75,000, इस साइड का भी हम टोटल करेंगे 3,75,000 में से हम क्या करेंगे 1,25,000 को लेस करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आएगा 2,50,000। तो हमारे पास क्या यहाँ पे 2,50,000 प्रॉफिट आया है, जिसको हम क्या करेंगे, पार्टनर्स के हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ए एंड बी के बीच में 3:2 में, क्लियर। यानी कि 2,50,000 का 3/5 करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी 1,50,000, और बी का कितना आएगा हमारे पास यहाँ पे 1 लाख, क्लियर। तो ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, क्लियर। देन हम क्या करेंगे, जर्नल एंट्रीज करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट को हमने क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हमारे पास एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्लियर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नरेशन मेंशन करेंगे कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हमारे पास प्रॉफिट कितना गिवन था 3,75,000, क्लियर। यहाँ पे हम क्या करेंगे, डेट मेंशन करेंगे 31 मार्च, क्लियर। यहाँ पे हमारे पास जो प्रॉफिट गिवन था वो कब का गिवन था, 31 मार्च 2020 का, ओके। देन हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, क्लियर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे पास टोटल कितना आया था 75,000, ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था 50,000, बी का कितना था 25,000। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नरेशन मेंशन करेंगे
कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है पार्टनर्स का, क्लियर। देन हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, तो एंट्री क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, क्लियर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, वैल्यू गिवन है हमारे पास 75,000, क्लियर। देन हम क्या करेंगे, कमीशन की एंट्री करेंगे, कमीशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट, क्लियर। कमीशन कितनी थी हमारे पास 50,000, 50,000 में ए का कमीशन कितना था हमारे पास 30,000, बी का कितना था 20,000, क्लियर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पार्टनर्स को हमने क्या किया, कमीशन दिए, क्लियर। देन हम क्या करेंगे, कमीशन को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, तो हमारे पास एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। तो यहाँ पे हम नरेशन मेंशन करेंगे, ट्रांसफर ऑफ कमीशन टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, हमारे पास वैल्यू गिवन है 50,000, क्लियर। तो ये हमारे पास क्या थी, सिंपल जर्नल एंट्रीज थी। सो दिस इज एंड ऑफ पार्ट 7th ऑफ चैप्टर अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि आपको फर्दर अपडेट्स मिलते रहें। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू एवरीवन।